इस धरती पर ऐसे जीव जंतु पाए जाते थे जिसके बारे में आपने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। आज के समय में हम शेर को दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर मानते हैं, लेकिन आज से लाखों करोड़ों साल पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि इस धरती पर ऐसे ही खतरनाक और विशाल जानवर पाए जाते थे जो आज जिंदा होते तो शायद इंसान का कोई वजूद ही नहीं रहा होता। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। नंबर 5 पे है टाइटेनोबोवा। आज से करीब 65 मिलियन साल पहले डायनासोरों के मरने के बाद इस ग्रह पर महान टाइटेनोबोवा का जन्म हुआ था, जो दुनिया का सबसे बड़ा सांप में से एक था। टाइटेनोबोवा लंबे मछली या फिर बड़ा कछुआ हो, यहाँ तक कि यह सबसे बड़े मगरमच्छ को भी आराम से मारकर खा सकता था। टाइटेनोबोवा आज के सांप से करीब 20 से 25 गुना तक बड़े हुआ करते थे। एक रिसर्च में पता चला है कि टाइटेनोबोवा की लंबाई 50 फीट तक हुआ करती थी और वजन की बात करें तो 2500 पाउंड तक होता था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोवा ही कहा जाता होगा। आपने एनाकोंडा मूवी तो देखी होगी, जिसमें एनाकोंडा दिखाया जाता है उतना ही बड़ा यह टाइटेनोबोवा हुआ करता था। हालांकि टाइटेनोबोवा एक जहरीला सांप नहीं था, बल्कि इसके मसल्स में इतनी ताकत होती थी कि यह मगरमच्छ को भी आराम से कुचल कर मार सकता था। आपको यह एनाकोंडा कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। नंबर 4 पे है मेगलाडॉन। दुनिया में सबसे खतरनाक मछलियों में से ग्रेट व्हाइट शार्क मछली बहुत ही खतरनाक मछली है, लेकिन करीबन 30 लाख साल पहले इस समुद्र में दूसरी शार्क का राज हुआ करता था, जो थी मेगलाडॉन शार्क, जो अब तक की सबसे बड़ी शार्क की प्रजाति थी। व्हाइट शार्क जहाँ 5 मीटर तक होती है, यही मेगलाडॉन शार्क 16 से 18 मीटर तक होती थी। मेगलाडॉन के विशालकाय जीवाश्म दांतों की स्टडी से पता चला है कि भोजन के लिए व्हाइट शार्क का ही शिकार करती थी। नई स्टडी में दावा किया जाता है कि दोनों खूंखार शिकारियों में व्हेल मछली और अन्य मछली की कमी हो गई थी, जिसके कारण मेगलाडॉन शार्क विलुप्त होने के कगार पर थी, और यही कारण है कि इसके खाना कम पड़ने की वजह से ये शार्क विलुप्त हो गई है। नंबर 3 पे है सुपर क्रॉक्स। करीबन 112 मिलियन साल पहले सुपर क्रॉक्स नाम का यह मगरमच्छ की प्रजाति हुआ करती थी, जिसकी लंबाई की बात करें तो 12 मीटर यानी कि 40 फीट के आसपास हुआ करती थी। यह क्रोकोडाइल की प्रजाति आज तक की सबसे बड़ी मगरमच्छ की प्रजाति थी। इस जीव के जीवाश्म सबसे पहले 18वीं शताब्दी में मिले थे। इस जीव के अवशेष से पता चलता है कि बाकी मगरमच्छ की तरह उसके कमाल के काटने की क्षमता थी, क्योंकि इसके बाइट की ताकत 9 टन जितनी थी, जो कि बाकी मगरमच्छ की तुलना में कई गुना अधिक थी। यह सुपर क्रॉक के अवशेष से पता चलता है कि यह डायनासोर की कई सारी प्रजातियों को खाता था, लेकिन कम उम्र में यह मछलियों को अपना भोजन बनाकर गुजारा करता था, और उम्र बढ़ने के समय डायनासोर को अपने आहार में शामिल कर लेते थे। एक शोधकर्ता के मुताबिक ये सुपर क्रॉक पानी से बाहर निकल कर डायनासोर का शिकार करता था। एक विकसित सुपर क्रॉक में इतनी ताकत थी कि डायनासोर की गर्दन को भी काट सकता था। नंबर 2 पे है एंड्रोसुचस। एंड्रोसुचस एक बड़ा मांसाहारी स्तनधारी जानवर था, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 6 फीट तक हुआ करती थी, और यहाँ लंबाई की बात करें तो 18 से 20 फीट तक हुआ करती थी। वहीं इसका वजन की बात करें तो 1 से 2 टन तक हुआ करता था। उस वक्त एंड्रोसुचस पृथ्वी पर चलने वाले सबसे बड़े स्तनधारी मांसाहारियों में से एक था, जो बेहद ही खतरनाक जानवर थे। इसके शरीर पर आधुनिक चित्ते की तरह धब्बे और बाघ की तरह काली धारियां होती थी। ये जीव भले ही एक खूंखार मांसाहारी जानवर था, पर यह भेड़ बकरियों की जैसे खूर वाले जानवर इसके करीबी रिश्तेदार माने जाते थे। पर यह भेड़ जितना शांत नहीं हुआ करता था। यह अपने 1 मीटर लंबे जबड़े की मदद से किसी भी जानवर को एक पल में ही चीर डालने में सक्षम थे, क्योंकि इसका जबड़ा भले ही सिर्फ बड़ा ही क्यों ना हो, पर यह मजबूत भी बहुत ज्यादा हुआ करता था। नंबर 1 पे है रेड जिला। ये रेड जिला लगभग 4 मिलियन साल पहले दक्षिण अमेरिका में पाए जाते थे, जो एक चूहे के जैसे बड़े हो सकते थे, जिसका वजन की बात करें तो 1 टन से ज्यादा हुआ करता था। रेड जिला एक मांसाहारी जीव थे। रेड जिला यहाँ के चूहों की सबसे बड़ी प्रजाति पाई जाती थी। ये रेड जिला आधुनिक समय के बाघों की तुलना में 3 गुने शक्तिशाली हुआ करते थे, जो आदमी को मारने के लिए सिर्फ उनके दांत ही काफी होते थे। हालांकि ये दांत अपनी खुद की रक्षा करने के लिए उपयोग करते थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो